झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पहले दिन की ही तरह भाजपा के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरते नजर आए। एक तरफ जहां भाजपा विधायकों ने सीएम को भेजे जा रहे ईडी के समन को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सीबीआई जांच करने तक की मांग की। यह तो रहा सदन के बाहर का दृश्य। सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक विरंची नारायण ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के आवास से भारी नगदी बरामदगी का मामला भी उठाया। तुमसे यहाँ के मुखिया हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये है मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इनकी हिस्सेदारी है, तभी ये भी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनके पैसा इतना अलमीरा में आया कैसे? अब ये कौन हिसाब किताब है? इसलिए इनकी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और इनकी गिरफ्तारी हो। अब ये पैसा कैसे, ये गाढ़ी कमाई जनता का था, इसको जनता का हिसाब दें। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा तंत्र है, पूरा देश है, ये इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं लोग? एक से एक इनके पास बंदूक है, तोप है, ठीक है, तो धाराशाही करना कर दे धाराशाही। कौन रोका है? क्या नाटक कर रहे हैं लोग यार? बेवजह मजाक कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने कहा है कि इस बार अगर सदन के अंदर हंगामा किए तो वही होगा, दिल्ली वाला हाल करेंगे इस बार हम। दिल्ली में जो हाल हुआ देखे आपने, बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होगा इस बार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।